आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो रिज्यूमेस के बारे में। जब मैंने भी ये नाम सुना था वीडियो रिज्यूमेस के बारे में, आई वाज लाइक वीडियो रिज्यूमेस क्या है? पेपर रिज्यूमेस तो सबने सुना है। हम जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपना पेपर रिज्यूमे लेके जाते हैं, जिसमें हमने पूरी अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस, उसकी सारी कहानी बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखी होती है। तो देर इज समथिंग न्यू विच हैज कम अप इन दी मार्केट विच इज नोन एज वीडियो रिज्यूमेस। सो आइए बात करते हैं वीडियो रिज्यूमेस क्या है। पहले उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वंदिका लांबा, मैं एयरक्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर हूँ। मेरी डिटेल्स आपके सामने है, कुछ आगे डिटेल्स या इंफॉर्मेशन सजेशन इफ अगर आपको हमसे चाहिए तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो रिज्यूमे क्या होता है? वीडियो रिज्यूमे इज लाइक राइट नाउ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लाइक आई वॉन्ट यू टू गेट दी एज मच एज इंफॉर्मेशन आई कुड गिव यू। तो वीडियो रिज्यूमे है क्या? ऐसे ही सपोजिंगली कि सपोजिंग समझे कि मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ राइट आपके सामने, तो दिस इज लाइक अ वीडियो रिज्यूमे। फॉर एग्जाम्पल आप अभी जैसे जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं अभी राइट नाउ आप मेरे व्यूअर्स हैं। सपोजिंगली मैं एक कैंडिडेट हूँ तो आप मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयर है, तो मैं आपको एज अ कैंडिडेट मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो ये होता है वीडियो रिज्यूमे, जिसमें आप अपने बारे में जैसे ही जो भी आपने अपने पेपर रिज्यूमे में लिखा होता है वैसे आप उनको जब आप उन्हें पेपर देते हैं तो आप अपनी सीट पर शांत बैठे होते हैं और वो आपका रिज्यूमे पढ़ रहे होते हैं राइट। सो वीडियो रिज्यूमे इज दे विल नॉट लुक ऑन टू योर रिज्यूमे। जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो आप उन्हें बोल के बताएंगे, मेरा नाम वंदिका लांबा है, मैं एयरक्रूज एविएशन की को फाउंडर हूँ, मैं पहले एविएशन इंडस्ट्री में काम करती थी, वहां पे मेरा ये जॉब रोल था, अब मैं ये करती हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई है, जो भी आपका एक लेमेन आप उसमें लिखते हैं अपने रिज्यूमे में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों हमें वीडियो रिज्यूमे क्यों बना रहे हैं। हम ये वीडियो रिज्यूमे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा आप जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं राइट, वहां पे एक रोल के लिए कम से कम 10 से 15 या 20 कैंडिडेट्स आए होते हैं, सबके पास पेपर रिज्यूमेस आते हैं, सबके पास पेपर रिज्यूमेस आते हैं। तो आपके पास डिफरेंट क्या है? आपके पास भी तो पेपर रिज्यूमे है, तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? सो दिस वीडियो रिज्यूमेस आर द वन, ये आपको क्राउड से अलग खड़ा करते हैं। दैट यस यू नो आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन द एम्प्लॉयर्स टॉक अबाउट डिड यू हियर दैट वन कैंडिडेट हैड मेड अ वीडियो रिज्यूमे, बिकॉज दिस इज सो न्यू इन द मार्केट कि अगर आज उसे बनाते हैं तो यस द यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो यस, सो अब हम बात करते हैं कि जब भी आपको ये वीडियो रिज्यूमेस बनाने हैं उसके लिए आपको अपने अंदर यू नीड टू आस्क सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, लाइक आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप व्हाट आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपका पैशन क्या है, आप किस किस किस्म के बंदे हैं, आप इंट्रोवर्ड हैं, शाय हैं, एक्सट्रोवर्ड हैं, या टीम मेंबर हैं, या यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। सो यू नो दीज आर द स्किल्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई इन योर सेल्फ। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हम वीडियो रिज्यूमे बनाते हैं तो हमें उसमें बोलना क्या है। उसमें सबसे पहले आप ये बोलते हैं, सबसे पहले आप उसमें अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरा नाम वंदिका लांबा है, मैं एयरक्रूज एविएशन की को फाउंडर हूँ और मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफिसर के जॉब रोल के लिए हूँ। ओके, सेकेंड आप उसमें अपना अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं एविएशन इंडस्ट्री से हूँ, मैं 13 साल से एविएशन इंडस्ट्री में थी। ठीक है, तीसरी चीज आप बताएंगे हाउ डू यू एक्सेल, आपने 13 साल जो एविएशन इंडस्ट्री में किया है उसमें आपकी क्या स्पेशलिटीज हैं, आप किस फील्ड में एक्सेल हैं। तो इसमें मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ एज पर द एविएशन इंडस्ट्री। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 13 साल एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी क्लाइंट हैंडलिंग और मेरे कस्टमर सर्विस को बहुत बूस्ट किया है। ओके, फोर्थ पॉइंट आप इसमें बोल सकते हैं कि आपको सबसे अलग कौन सी चीज बनाती है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि वेल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे कुलीग्स और मेरे मैनेजर्स मुझे हमेशा यही कहा करते थे
कि मेरे अंदर जो दूसरों की हेल्प करने की जो इनबिल्ट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो मुझे सबसे अलग बनाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वीडियो रिज्यूमे बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वीडियो रिज्यूमे जो होता है, जो फेक, जब आप रिज्यूमे में जो भी फेक चीजें लिखते हैं उसको, उसके चांसेस को लोअर्स करते हैं। सपोजिंगली, अब आप ये सोचिए कि सपोज मैं एम्प्लॉयर हूँ, राइट? आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि दैट यू आर अ टीम प्लेयर, आप बड़े यू आर वेरी पंक्चुअल, वेर इन आप कभी मे बी एज अ जोक मे बी आप कभी कभी टाइम से कहीं गए ना हो, तो यू नो वेर एवर, जब भी आप लिख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी जो चीज मुंह पर आती है तो हमेशा सच ही निकलता है। तो इसीलिए जो भी फेकिंग और जो भी हम बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं उसके चांसेस जो होते हैं वो लोअर हो जाते हैं। एंड एज अ रिक्रूटर आई कैन ऑल्सो वेरीफाई किसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कौन कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। सो एज अ रिक्रूटर दे कैन सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ओके, नाउ ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप वीडियो रिज्यूमेस बनाएं तो उसके लिए क्या करें। स्मॉल रखें अपने स्क्रिप्ट को, ज्यादा ना बोलें। आई अंडरस्टैंड इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका 15 या 20 मिनट आप सिर्फ अपने आप को डिस्क्राइब ही कर रहे हैं। जस्ट बी वेरी शॉर्ट, थोड़ा रेलिवेंट रखिए, एट द सेम टाइम बी वेरी प्रोफेशनल, मेक इट समथिंग वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव के सेंस में आप अपने उनके क्वेश्चंस के हिसाब से आप कुछ क्रिएटिव अपने ऑन द जॉब एग्जाम्पल्स के साथ शो कर सकते हैं। एंड अपने जो सोशल मीडियाज होते हैं, कीप अ वेरी गुड ट्रैक ऑन द सोशल मीडिया। व्हाई? बिकॉज यू नो टुडे इट्स अ सोशल वर्ल्ड। अपने जितने भी आपके जो प्रोफेशनल लिंक्स हैं उनको शेयर करिए सोशल मीडिया पे, एंड कीप अ ट्रैक। ऐसा नहीं कि आप करके छोड़ दिया, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। ओके, सो आई होप वीडियो रिज्यूमेज की शॉर्ट वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इफ इन केस यू हैव एनी सजेशंस और एनी हेल्प इफ यू आर लुकिंग फॉर, और इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन मेकिंग योर वीडियो रिज्यूमे टू मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू फ्रॉम एयरक्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड।